ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी में बीते दिनों पैक्स अध्यक्ष की हुई हत्या के तीसरे दिन बाद भी परिजन शव को लेकर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रह सकते हैं कि परिजन घटनास्थल पर ही पैक्स अध्यक्ष का शव रखकर मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, मृतक के परिजन पुलिस पर जबरन अरेस्ट करने का आरोप भी लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सुरेंद्र सिंह, बिरगुन जादो, मीठू जादो, सुरेश सोहानी, सुरेंद्र सिंह के बेटा, बुंदेव मुखियत गुडीलर, सब लोग मिल के कमेटी बना के हमारा मालिक के मरले बालो। छः साल से दू बरंगदारी मंगौल रख लो। ओकर बाद अब गिर मार के मुँह दिलक हलो। हमू सुरेंद्र सिंह के मारे मुँह खलदान के तबे हम कुछ करे तब तक। आपको बता दें, पैक्स अध्यक्ष की हत्या हुई थी उसमें पुलिस ने उन्हीं के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर परिजन जो है नाराज है। वो लगातार शव को रख करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोतिहारी से धनंजय जी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, अभी तक क्या इस पर आपके पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई है? तीन दिन हो गया, तीन दिन से अभी शव को अंतिम संस्कार नहीं किया गया। जी, एक्चुअली जो पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की जो हत्या सुपारी किलर के द्वारा की गई है, और इसमें देखा जाए पोस्टमार्टम के बाद में ये तीन दिन आज हो गया, तीन दिनों के बाद भी उनका दाह संस्कार नहीं किया गया है। उसका कारण ये है कि परिजन उनके शव को लेकर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, क्योंकि परिजनों का यह कथन है कि उनके परिवार के दो चाचा और चचेरे भाइयों को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती पीट पीट कर और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, और उसी गिरफ्तारी करने के बाद में अपने परिजनों की रिहाई के लिए और अन्य जो उसमें जो पुलिस के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज किया गया है उपद्रवियों के खिलाफ, उनकी रिहाई तब तक नहीं होती है। जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। जी, मृतक के परिजन को जहां तक उसे जो है पुलिस उसे मतलब अरेस्ट की है, तो क्या जो पुलिस आपकी बातचीत हुई उसमें पुलिस आखिर उन्हें अरेस्ट क्यों की है, क्या मतलब कुछ निकल कर आया? पुलिस इस पर कुछ कहते हुए नजर आ रही है, कुछ अभी तक अपडेट है? बिल्कुल, मोतिहारी के जो पुलिस कप्तान हैं नवीन्द्र चंद झा, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कथन है कि हत्या के बाद में जब बदमाश जब पकड़े गए थे ग्रामीणों के सहयोग से और पुलिस बल वहां पहुंची थी, तो पुलिस बल पर इन लोगों के द्वारा पथराव किया गया, जिसमें एसपी और उनके अंगरक्षक और डीएसपी सहित थाना के चार प्रभारी जख्मी हुए थे। उसी को लेकर उपद्रवियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई है और लगभग 52 से 57 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसके विरोध में ये यहाँ के जो आक्रोशित जो ग्रामीण हैं वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शव को रख कर, और उनकी मांग यही है कि पुलिस के द्वारा हत्यारों को पकड़ा जाए, जो भागे हत्यारे हैं और जिनकी पहचान हो गई है पुलिस के द्वारा, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके परिजन को, गिरफ्तारे वाले परिजन लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई की जाए। जब तक रिहाई नहीं की जाएगी तब तक ये शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। बहरहाल पुलिस इस मामले में बचते हुए नजर आ रही है। पुलिस का यह आरोप है कि इन लोगों के द्वारा पथराव किया गया है और जो कार्रवाई की जानी है उसमें ये बाधा उत्पन्न किया गया है, जिसके तहत इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल इस मामले में जो आरोपित मुखिया है सुरेंद्र सिंह, उनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो कि आपको बता दें कि जैसे कि मेरा सहयोगी जो है वो बता रहे थे कि जो पुलिस है उस पर पुलिस पर जब ये हत्या हुई थी उस दौरान प्रदर्शन के दौरान जो हंगामा परिजन कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस पर हमला भी हुआ था, उसी को लेकर के जो है पुलिस उनके परिजनों को, जो मृतक है उनके परिजनों को अरेस्ट की है।